mountain far from mine. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that she'll take it into her side. फ्राइडे तो अभी से मैं मेरी ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ. नहीं, सुबह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया था, लेकिन जल्दी जल्दी के चक्कर में आप लोगों के सामने आके बात मैं नहीं कर पाई. तो मैं अभी से, मतलब मैं जब से बात कर रही हूँ तब मुझे लगता है कि मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ. तो फिर सुबह का जो चाय वगैरह था, और सुबह मैंने दाल बना ली थी क्योंकि मेरे हस्बैंड की ऑफिस में लंच के लिए मुझे दाल चावल ये सब देना था. तो मैंने दाल और चावल तो उनके हिसाब से मैंने बना के उनको दे दी. दाल मैंने अभी के लिए भी बना के तभी रख ली थी, और अभी मैं बनाऊंगी जो एक्चुअल जो हम लोग खाएंगे दोपहर की लंच में, वो अभी बनाएंगे. एक करी होगा, दाल तो बन चुका है, और चावल बस इतना ही बनेगा. तो मैंने एक करी के लिए टमाटर, लहसुन, प्याज और सब कुछ मैंने काट के तैयार करके रख ली, और एक भी मैंने बॉयल होने के लिए छोड़ दिए. तो अभी चलिए पहले जो मैंने जो काट के रखी उसको थोड़ा सा भून लेते हैं, मतलब थोड़ा सा उसको फ्राई करके फिर उसकी पेस्ट बना के आज एक करी बनाएंगे. तो चलिए वो कर लेते हैं. जिस कढ़ाई में सुबह मैंने दाल बनाई थी वही कढ़ाई में मैं अभी वो बनाऊँगी एक करी. तो थोड़ा सा तेल डाल के हल्का सा वो हो जाए उसके बाद टमाटर भी इसमें ऐड कर दूंगी. इसको फ्राई होने देते हैं थोड़ी सी हल्की सी, फिर इसको ठंडा करके पेस्ट बना लेंगे इसका. और ये हो गया फ्राई. अब मैं इसको
ठंडा होने के लिए रख। और वो मसाला को मैं ठंडा करने के लिए रख चुकी हूँ। और मैं अभी जो ये उबले हुए अंडा है इसको मैं थोड़ा सा ना छुरी से बीच से थोड़ा सा कट लगा रही हूँ, क्योंकि अगर इसमें हल्दी और मिर्ची नमक वमक डालूँगी ना तो इसके अंदर चले जाएंगे बहुत अच्छे से, और ग्रेवी भी इसके अंदर चले जाएंगे। तो मैं अभी इसके ऊपर थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक लगा के अच्छे से इसको कुछ देर तक के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि अच्छे से इसके अंदर मसाला चले जाए। और वो जो मसाला मैं भून के रखी थी उसको मैं अभी पेस्ट बना रही हूँ, और एकदम फाइन पेस्ट बन भी चुके हैं, कितने अच्छा कलर भी आया वो पेस्ट का। और अभी मैं आ चुकी हूँ, अंडा को तल रही हूँ। जिस कढ़ाई में मैंने वो पेस्ट वो मसाला भूनी थी ना, उसी कढ़ाई में मैं अंडा को भी फ्राई कर रही हूँ। और मेरे ससुर जी को थोड़ा सा लाल लाल कड़ाकेदार अंडा फ्राई पसंद है, अगर थोड़ा सा भी नॉर्मल ऐसा अगर होगा ना तो नहीं खाएंगे। और वो अंडा फ्राई होने के बाद मैं वो कढ़ाइया में सब मसाला जो मैंने पेस्ट बना के रखी थी उसको मैंने डाल दिया। वो तो पहले से थोड़ा सा फ्राई था, तो अभी और थोड़ा सा अच्छे से उसमें मसाला सारे ऐड करके फिर उसको अच्छे से और फ्राई कर लूँगी। तो मैं धीमी आँच में इसको फ्राई कर रही हूँ कि तले ना लगे और जले भी ना, और मसाले की फ्राई करते करते अच्छी खुशबू भी आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है ये मसाला। तो अभी इसमें डाल रही हूँ मैं नमक, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाली, उसके बाद डालूँगी हल्दी, उसके बाद आएगा धनिया पाउडर, उसके बाद थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, फिर जीरा पाउडर। तब इसको ऐसे ही थोड़ा सा वो करके छोड़ रही, अच्छे से इसको सब डाल के फिर अच्छे से मिला के उसको कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी। और थोड़ा सा ना गाढ़ा गाढ़ा ग्रेवी बनेगा इसमें, तो मैं ज़्यादा पानी भी इसमें ऐड नहीं करूँगी, कम पानी ऐड करूँगी। तो इसको अच्छे से पहले भूंज लूँ बहुत अच्छे से, और खुशबू भी बहुत बढ़िया हो रहा है। और मैंने वो जो मिक्सर ग्राइंडर है ना उसी में मैंने पानी भी ले लिया कि थोड़ा सा अभी हो जाए उसके बाद। तो मैंने पानी डाल के जैसे वो हो गया, उबाल आ गया पानी में, तो मैंने ये अंडा भी उसमें डाल रही हूँ, और कलर भी मस्त आया है तो अच्छा लग रहा है। तो कुछ देर के लिए इसको होने के लिए मैं छोड़ दूँगी, और मैं उसको अभी ढक चुकी हूँ। और मैं अभी जब तक वो खाना बन रहा है तब तक मैं बर्तन धो रही हूँ, जो सुबह का जो कुछ प्लेट्स वगैरह कप्स वगैरह था वो मैं अच्छे से धो के साफ़ करके रखूँगी अभी, इसलिए मैं उसको धो रही हूँ, क्योंकि जैसे बर्तन निकलते जाते हैं मैं वैसे वैसे धोती जाती हूँ। कभी कभार ही ऐसा होता है कि मैं बर्तन रख देती हूँ जब मुझे इच्छा नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं करूँगी, हमेशा ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे बर्तन ज़्यादा जमा होंगे तो फिर इकट्ठा मुझे ही धोना पड़ता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा जमाती नहीं हूँ, फटाफट से इसको धो लेती हूँ और धो रही हूँ अभी। और मेरी जो सिंक है ना वो बहुत छोटी भी है और पत्थर का भी है, तो उसमें ज़्यादा देर तक बर्तन रखना मुझे अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए मैं फटाफट से उसको धो रही हूँ, जितना हो सका है उतना अच्छे से धो के उसको साफ़ करके रख लूँगी, क्योंकि बाद में जब खाना खा के उठूँ ना तब मुझे ज़्यादा बर्तन धोना नहीं पड़े, इसलिए मुझे अभी ये बर्तन मैं धो के रखती जा रही हूँ। वैसे बर्तन धोना तो एक ठंड के टाइम पे बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि पानी में इतना ठंडा पानी है उसमें बार बार हाथ लगाना, तो फिर क्या करूँ, करना तो पड़ेगा ही, इसलिए फटाफट से वो बर्तन धो के मैं रखती जा रही हूँ। एक तरफ खाना भी बन रहा है, एक तरफ मेरी बर्तन भी धोना कंप्लीट। और ये देखिए मेरी ग्रेवी भी तैयार हो चुका है, और मैं अभी इसको ढक के रख दूँगी। तो चलिए किचन से मैं अभी आ चुकी हूँ, मेरी जो दोपहर की लंच है वो डन हो गया है, और अब मैं जा रही हूँ रितुल की बाल में थोड़ा सा तेल मेल मालिश कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड है ना तो उसके बाल भी बहुत रूखी रूखी हो गए हैं। तो चलिए फिर मैं उसको कर लेती हूँ, उसके बाद मैं पापा जी को खाना दे दूँगी।
बालों में तेल लगाने के बाद मैं आ चुकी हूँ पापा जी को खाना देने के लिए, क्योंकि उनको टाइम से खाना नहीं दे तो वो शुगर पेशेंट है ना, तो उनको दिक्कत हो जाएंगी। तो इसलिए मैं उनको खाना देने के बाद मैं रितुल को भी दे दूँगी। मैं उसको पहले बोली कि नहाने के लिए, तो वो चली गई है नहाने और मैं पापा जी को खाना दे रही हूँ। और ये देखिए आज शाम को कौन दियाबत्ती कर रहे हैं, रितुल। रितुल आज शाम को दियाबत्ती दे रहे हैं। उसने बोला मम्मी मैं दियाबत्ती करूँगी, तो मैंने बोली अच्छी बात है करो। तो वो आज आ गई हैं अच्छे से तैयार होके दियाबत्ती करने के लिए। मैं उसको दिया बस जला के दी, क्योंकि उसको दिया जलाना नहीं आता, इसलिए मैंने उसको दिया जला के दी और वो दियाबत्ती करने लगी हैं। और थोड़ा सा अंधेरा होने से पहले ही वो दियाबत्ती कर ली, क्योंकि उसने इतना दियाबत्ती करने का मन हो रहा था कि उसने जल्दी जल्दी उसने दियाबत्ती कर ली। बच्चे हैं ना। अभी मैं जा रही हूँ दूध लाने के लिए, तो थोड़ा सा इवनिंग वॉक भी हो जाएगा और दूध भी लाऊंगी। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ, कहीं से दूध लाते हैं आप लोग भी देख लीजिएगा। चलिए टेस्टी नहीं बोल ना, गेटा खोला बंद करे, आगे गेटा बंद करे। चुकी हूँ दूध लेके घर, और रितुल को खाना था पेस्ट्री, तो हम लोग पेस्ट्री की दुकान तक गए, वहाँ से पेस्ट्री लिए और घर आके सब मिलके बहुत अच्छे से पेस्ट्री खाए। बहुत मज़ेदार पेस्ट्री था। तो हम लोग ने लिया था वो चॉकलेट वाला बॉल, और रितुल ने लिया था बड़ा वाला जो वाइट कलर का पेस्ट्री होता है, तो वो लिया। तो हम लोग ने सब मिलके अच्छे से खा लिए, और अभी रात भी हो रहा है और मुझे तैयार करना है, डिनर की तैयारी के लिए मुझे जाना है। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊँगी अभी, क्योंकि मुझे डिनर बनाना है अभी। तो मेरी वीडियो को मैं आज यहीं पे एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अगर आप लोग को अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरी वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलूंगी आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।